हेलो दोस्तों, पार्ट टू में आप सभी का फिर से स्वागत। और पार्ट वन मैंने जहाँ से ख़त्म किया था, पार्ट टू वहीं से स्टार्ट है। तो फाइनली हम रामकुंड के पास है। अभी ये शिव मंदिर है। कहा जाता है कि राम जी ने स्वयं अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की थी, और इसकी जस्ट सटा हुआ ही रामकुंड है। देख पाओगे आप लोग, ये देख लो। कहा जाता है चारों कुंड की गहराई अलग अलग है, और चारों कुंड में पानी बिल्कुल ही ठंडा रहता है, सिर्फ सीता कुंड को छोड़ के, सीता माँ का कुंड छोड़ के। और ये भरत कुंड है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुंड दिखाया था, अभी मैंने आपको जस्ट राम कुंड दिखाया, और ये भरत कुंड है। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं सीता कुंड के लिए, ठीक है ना। देख पा रहे हो, यहाँ ग्रामीण लोग बैठते हैं। तो जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि क्या कारण है पानी 8 महीने गर्म रहता है और 3 महीने ठंडा रहता है। तो अब देख पा रहे हो सामने वो प्रवेश द्वार है जहाँ से हम लोग एंटर किए थे, और ये देख लो सीता कुंड गर्म जल, ठीक है ना। तो जो वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो ये रहस्य क्या है, नहीं है, पर दोस्तों मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि अभी पानी ठंडा है, क्योंकि रामनवमी से लेकर 3 महीने तक पानी यहाँ का ठंडा रहता है, ठीक है ना। तो अभी पानी ठंडा है बट, और ये अंदर का व्यू देख लो यार। अभी अंदर जस्ट मैं आया ना, तो मुझे एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी मिली अंदर से, जो मैं आपको बता नहीं सकता। इफ़ आप आते हो यहाँ पे ना, और सीताकुंड जब प्रवेश करोगे तो आप इस चीज़ को फील कर पाओगे, ठीक है ना। तो फाइनली आप अंदर का देख लो रूपरेखा क्या है। और आप ये लोहे का जो बैरिकेड देख रहे थे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको लोहे का बैरिकेड जो है। ये साइड से व्यू है, और यहाँ लोग आते हैं पूजा पाठ यहाँ पर अभी भी होता है जब बस्ट। हाँ, ये बता रहा था मैं आपको कि लोहे का जो बैरिकेड आप देख पा रहे हो ना, माघी पूर्णिमा में लोहे का बैरिकेड हट जाता है यहाँ से, क्योंकि पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। और सारे श्रद्धालु जो होते हैं, देश के तो देश के आते ही हैं, बट विदेश से भी आते हैं, जस्ट लाइक कंबोडिया, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, वो भी माघी पूर्णिमा में, जो 1 महीने का मेला लगता है। जिस मेले का सबसे बड़ा सौंदर्य का चीज़ तो सीताकुंड है, जहाँ लोग स्नान करते हैं, और साथ ही साथ राम कुंड है, भरत कुंड है, शत्रुघ्न कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, उसका लुप्त उठाते हैं लोग, अंदर बैठते हैं और माँ सीता का आवाहन करते हैं, माँ सीता को याद करते हैं, और याद करते करते ही बिल्कुल उनका मन शांत हो जाता है। इफ़ आप आओगे ना तो समझ पाओगे। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, अब देख पाओ शाम का टाइम है, और शाम का वही आई थिंक 5:30 बज रहा है अभी, ठीक है ना। जैसा कि आठ ने मैंने आपको बताया कि हम लोग वहाँ से 4 बजे निकले थे, ठीक है ना। और व्यू देख लो यार यहाँ का, वो मंदिर देख लो, मैंने पार्ट वन में आपको मंदिर दिखाया था। और मैं आपको जानकारी लिए एक चीज़ और बता दूँ, ये पूर्वी गेट, ये पूर्वी द्वार है, देख लो ये बंद रहता है, बट माघी पूर्णिमा में सारा गेट खुल जाता है, सारा का सारा गेट ही खुल जाता है, ठीक है ना। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जैसा कि मैंने आपसे पार्ट वन में कहा था कि आप सीताकुंड कभी आते हो तो यहाँ का झालमुड़ी एक बार ट्राई करना, इतना टेस्टी बनाता है, इतना टेस्टी बनाता है ना, पूरे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा झालमुड़ी कहीं नहीं बनता। और ये कुंड है, और ये देख लो, जो मैं सेकंड चीज़ बताना चाह रहा था आप सभी से, कि यहाँ पे लकड़ी का सामान, दैट मीन्स पलंग, चौकी, खाट बॉक्स, फर्नीचर, मतलब जो लकड़ी का आइटम्स, जितने भी लकड़ी से बनते हैं, वुड का जितना भी आइटम्स बनता है, वो सारा कुछ सीताकुंड उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप इफ़ माघी पूर्णिमा में कभी आते हो, जो 1 महीने का मेला लगता है, तो आप यहाँ पे आके देखोगे कि हर तरफ सिर्फ लकड़ी का सामान ही मिलता है, और साथ उसके साथ झालमुड़ी, जो कि यहाँ के लोगों का पसंदीदार खाना होता है उस टाइम के में, मतलब माघी पूर्णिमा में लोग झालमुड़ी बहुत खाते हैं यहाँ पे माघी पूर्णिमा में। और ये राम जानकी मंदिर है, और फाइनली पुरोहित जी मान चुके हैं कि वे हमें अब पूरा कहानी बताएंगे। तो चलते हैं पुरोहित जी के पास, आप लोग ध्यान से सुनना गाइस। हमको जो है ना सपना आता था, राजा राम को जो है सपना आता था, तो मुनि लोग को बोले हमको सपना क्यों आता है, मुनि लोग बोले क्या आप जो है विद्वान रावण का वध किए हैं, इसीलिए आपको सपना आता है। मुनि रामचंद्र जी बोले इनका उपाय कैसे होगा, कैसे दूर होगा। मुनि लोग बोले क्या आप जो है पूरे भारत भ्रमण कीजिए, जहाँ जहाँ मुनि लोग हैं आप उनको दर्शन दीजिए। तो पूरे भारत भ्रमण करते करते गया आए हुए थे, गया जहाँ पिंडदान होता है वहीं जो है पिंडदान दिए दशरथ जी का। दशरथ जी का पिंडदान दे के जानो भाई सीता जी यहाँ आए हुए थे मुंगेर, वहीं सीता जी जो है छठ व्रत किए, वही छठ का प्रसाद लेके
छठ का प्रसाद लेके जो है ना देने लगे मुग्धल ऋषि को। मुग्धल ऋषि को, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुंगेर। हाँ, वही प्रसाद गंगा के बीच में जो है। हाँ, गंगा के बीचों बीच पड़ता है। हाँ, सीताचरण, सीताचरण वही मुग्धल ऋषि रहते थे। हाँ, वही सीता जी छठ व्रत किए, वही छठ का प्रसाद लेके सीताचरण में जमते हैं। वही सीता जी का चरण अभी भी है, अभी भी सूप का निशान और लोटे का निशान आज भी मौजूद है। वही सीता जी छठ व्रत किए, वही छठ का प्रसाद लेके मुग्धल ऋषि के पास आए, प्रसाद देने लगे। और संजोग से लखीसराय से सिंगी ऋषि भी पहुँच चुके थे वहाँ। तो और बैसा पहाड़, ये बैसा पहाड़ जो है वेद व्यास का स्थान है ये। हाँ, वेद व्यास का। तो यहाँ पे जो है लाए गए, मतलब प्रसाद जो है छठ माँ का जो प्रसाद है वो नहीं लिए, बोले आप रावण के यहाँ पे रहे, रावण का 72 रूप है, आप आगे जाइए मैया। तो बोले रामचंद्र चंद्र जी इनका दोष कैसे दूर होगा। तो वेद व्यास जी वहाँ साथ में थे, बोले इनको जो है मेरे स्थान पर लेके चलिए। तो यहाँ पे लाए गए, सीताकुंड गए, देखे सारा देखे हैं। वही जो है 12 हाथ लंबा 12 हाथ चौड़ा ये हवन कुंड बनाया गया। पहले जंगलाहट ही जंगलाहट था। अच्छा, ये देख रहे हैं अभी तपोभूमि था एक समय में। अच्छा, मुनि लोग यहाँ पे तप करते थे, जाप करते थे। अब वही जो है यहाँ पे लाए गए, 12 हाथ लंबा 12 हाथ चौड़ा हवन कुंड बनवाया गया। उसके बाद जो है हवन करने के बाद जो है यहाँ सीता जी हवन किए। उसके बाद जो है अग्नि में समा गई, अग्नि में समा गई सीता। हाँ, अग्नि में समा गई। उसके बाद जो है 7 दिन के बाद हनुमान जी को पुत्र के समान मानते थे, और हनुमान जी बैठ के आराधना करने लगे। मैया निकल गई, अपना कृति दिखाइए। मैया तो सती थी, मैया निकली पसीना से लथपथ। हनुमान जी को बोले वरदान मांगो तुम। हनुमान जी बोले ऐसा वरदान दीजिए मैया जो जन्म जन्मांतर तक रहे। तो वही पसीना लेके अग्नि में ले दी। बोले सीता में अगर सत्य हो तो अग्नि से अग्नि रूपी जल निकले। तो जल निकलने लगा। उसके बाद पहाड़ से लोग जब आने लगे तो बोले क्या, जब बाहर से लोग आने लगे ना, जैसे कलकत्ता हो गया, दूर दूर से लोग जब आने लगे यहाँ पे, नेपाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया, तो यहाँ बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं दर्शन के लिए। यहाँ मनोकामना अवश्य पूरा होता है। बोले यहाँ पे सल्फर है, गंधक है, इसीलिए गर्म रहता है। अच्छा, बस मैया अपना करिश्मा दिखा दी। बोले क्या, लोग जिस दिन राम का जन्म होगा उस दिन हम आप रूपी ठंडा हो जाएंगे, उसके बाद गंगा दशहरा के बाद हम आप रूपी गर्म हो जाएंगे। तब तो पता चलेगा सल्फर ही गंधक है, क्या यहाँ मैया आई थी या नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, यहाँ प्रमाण दिया। हुँ, हम 9 महीना गर्म रहते हैं, 3 महीना ठंडा भी रहते हैं, ठंडा भी रहते हैं। हाँ, यहाँ जो भी मनोकामना कीजिएगा मैया पूरा करती है। उसके बाद चारों भाई जब आए थे तो रामचंद्र जी यहाँ बन वाले गंगा का आह्वान करके जल निकाले, और गंगा का जल निकाले, लक्ष्मण जी वहाँ, भरत जी वहाँ, श्रीराम जी वहाँ, और सब कुंड का जल अलग अलग है, सबका गहराई भी अलग 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 है, और जिसका मनोकामना पूरा हुआ कोई भी। तो गाइज ये शिवलिंग है जिसे राम जी ने स्वयं अपने हाथों से स्थापित किया था, और मैं आपको राम जानकी के अंदर का दिखाता हूँ। ये देख लो, राम जी और सीता जी का मंदिर है मूर्ति अंदर। गाइज If you like this video, please guys share my video, like my video and subscribe my channel. Bye guys.